ये रियल है। सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या चाल है आप सबके? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। तो आ गए मजे को न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। तो गाइस आज की वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल डिफरेंट बंदा है। फहम बाबा का नाम आपने साइको के साथ कभी नहीं सुना होगा, हमारा उनके साथ कभी गेम प्ले हो या कुछ भी ना, बाकी प्लेन में कुछ बातें हुई है ये सुनो, तो फिर मिलते हैं इसके बाद। तो गाइस ये एक बंदा ऑल माइक पे मतलब पेश करवा रहा था अपनी खैर, लेकिन इसकी हमने भी काफी ली, लेकिन इतना ही कहूंगा यार ना दिया करो ऑल माइक पे गाली, कोई फायदा तो है नहीं। कोई वर्ल्ड कप मिलना नहीं आप लोगों को, अगर मिलना है तो मिलता है तो बताओ मुझे भी दिखाओ। बाकी वीडियो बहुत मजे की है, नो हेट वाला बिल्कुल सीन है, आप लोगों को पता है बाबा भाई है फैम बाबा अपना, सबको मतलब सबकी ही आपका रिस्पेक्ट करता है, कोई ऐसा सीन नहीं है। कंटेंट है, मुझे बाबा मारता शायद वो वीडियो बना लेता, हमने मारा हमारी बन गई। कंटेंट इट्स जस्ट अ कंटेंट टू एंटरटेन यू पब्लिक, मतलब आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए है जस्ट। तो यह हम उतरते हैं मिलिट्री। तो गाइस जिसने अभी को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बंदा मेरे साथ यहाँ पे उतरेगा, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, वो भी लाजमी सुनना। ओके तो यहाँ पे मुझे VSS मिली और शॉर्ट गन मिली, तो बूट कैम्प कोई नहीं आता, ओह सॉरी बूट कैम्प कह रहा हूँ, मिलिट्री बेस कोई नहीं आता, दो ही मतलब एक ही बंदा आता है। ये बेचारा भी इधर छुप जाता है क्योंकि इसको गन शन नहीं मिलती, यहाँ से मैं लूट शूट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे दो बोट आएंगे, उनको भी हम मारेंगे, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे। सीन ये है गाइस, फाइम बाबा की टीम में मेरे क्लैन का लीडर डेड से बिगड़ा है और दो और क्लैन के बंदे होते हैं विलन और वासे, मतलब मेरे क्लैन के ही बंदे होते हैं। और ये एज डोमिनेटर है मेरा, इसमें मतलब रैंक 50 पॉइंट कम है, मतलब 5200 पॉइंट है। और बाबे का कॉन्करर हुआ होता है, फाइम बाबे का मतलब कॉन्करर हुआ होता है, सही है। तो मतलब लॉबी बहुत हार्ड आती है, फुल भाई यूट्यूबर्स वाली लॉबी, मेरे साथ मकास भी खेल रहा है अगर आपको नजर आ रहा हो ना। तो यहाँ पे हमारे टीममेट को हमारे क्लैन का ही बंदा नॉक कर देता है, सही है। तो मुझे फील होता है यहाँ पे बाबे का स्क्वाड है, तो मैं थोड़ा नीचे को चलता हूँ, मैंने कहा चलो आराम से फाइट लेते हैं नीचे जाके। लेकिन यहाँ पे हमारा टीममेट कहता है एक ही बंदा है अकेले, ये रश कर दो और मतलब मार लो और मुझे रिकॉल कर लेना। तो मैं कहता हूँ चलो सही है, मैं पहले देखता हूँ ना टीम अप शीम अप वाला सीन तो नहीं है। बाकी आप देखो यहाँ हम पे होती है फायरिंग, मतलब नो टीम अप वाला सीन है। मैं कहता हूँ चलो अब सीधा फाइट ही करते हैं, क्या खिचड़ी पकानी है। यहाँ पे मोली शोली होती है ऊपर हमारे, तो गाइस यहाँ पे मैं चलते हुए फायर करता हूँ, मुझे पता होता है मैं रुका तो मुझे लगेगी। यहाँ पे कहता है नहीं मार नहीं मारना, तो मेरा माइक वगैरह पे मैं कहता हूँ ना मारो ना, तो वो मतलब पीछे से और फायर हम पे होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा टीम कंफर्म कर देता है। तो यहाँ पे ये जो मतलब हमारे क्लैन का बंदा है, बस भाई यहाँ पे फुल तब मतलब गुस्से में आके भाई अब देखना तुम ऑल माइक पे अगर आप लोगों ने सुना हो तो। यहाँ पे अभी ये पहाड़ी पे बाबे का स्क्वाड है, सही है बिगड़े का और पहाड़े बाबे का, इस बंदे को तीन चार लग गए, खैर नोक नहीं होता। एक और बंदा था इसको हम नॉक कर देते हैं। तो अभी आगे बहुत इंटेंस फाइट होने वाली, मैं कहता हूँ मैच मतलब एक एक चीज एक एक पॉइंट मैंने दिखाया बहुत मजे का, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट कट करके दिखाया, एक एक चीज दिखाई है, देखना मजा आएगा। यहाँ पे मकाज इस बंदे को कहता है मैंने तीसरी दफा नॉक की है, तो जोन शिफ्ट ले लेता है, बंदे भी निकल जाते हैं, तो हम यहाँ से डासिया लेके निकलते हैं। उधर स्मोक हुई होती है, मुकाश कहता है इधर से ना जाओ, तो पिछले ब्रिज से हम जाते हैं जोशपुर बिल्डिंग्स वाले। तो ऊपर हो रही होती है फायरिंग्स, MG3 चल रही है अभी यहाँ पे, मतलब सस्ता रिफ्लेक्स मारेगा आपका भाई, देखते जाओ। तो गाइस इस सस्ते रिफ्लेक्स के लिए लाइक बनता है नीचे। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, आपके एक लाइक की वजह से वीडियो हमारी थोड़ी आगे चली जाती है। तो यहाँ पे जो वासे होता है ना वो भी मर जाता है, सही है, उसको नीचे वाला बंदा मार देता है और नीचे वाले बंदे को मैं मार देता हूँ, अभी देखना क्या होगा। यहाँ पे हम स्मोक स्मोक करते हैं, सही है, रिवाइव करने के लिए। बैरल के वहां से स्प्रे पहले आता है, फिर सिंगल शॉट्स आते हैं, बाबे ने बाबा मकास को नॉक कर देता है यहाँ पे ना। अबे तो क्या कर रहे?
हमारी गाड़ी भी नीचे फुल ब्लास्ट होने वाली है सही डासिया, तो मैं कहता हूँ यार रुको, मैंने ना वो स्क्वाड हाउस के पास गाड़ी देखी थी, मैं जाता हूँ गाड़ी लाता हूँ। के 7-8 दिनों से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ भाई, मैं गलती नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है टॉप 3 में तो आना मस्ट होता है, फिर जाके कहीं 8-10 प्लस होते हैं, चिकन मारो 15-16 प्लस होते हैं, तो बहुत जलालत हो रही होती है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेता यहाँ पे गाड़ी लेके। गाड़ी भी हमें खुली छत वाली मिलती है, बिल्कुल खाली छत वाली। तो खैर हम यहाँ से जोन की एक साइड पकड़ते हैं आगे, पहले से मकास को बेच के कहते हैं जोन क्लियर कर, वो जोन क्लियर करता है, तो यहाँ पे हम रुक के हिल शील करेंगे। तो हिल शील करके अभी होगा यहाँ पे फड्डा, मतलब यहाँ पे जो फाइट होने वाली है ना मजे देखना। 4x के स्प्रे अगर आपको अच्छे लगे ना और सेंसिटिविटी का कोई सीन बने तो बता रहा, मैं इंशाल्लाह सेंसिटिविटी की वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पे इस बंदे को काफ़ी डैमेज मैं देता हूँ, लेकिन किस्मत अच्छी होती है, बचत हो जाती है इसकी। अभी यहाँ पे डेड सेक बिगड़ा जो है हमारे क्लैन का लीडर जो है हमारा, मतलब आपके भाई का भाई जो है, ओके मकास को विलन नॉक कर देता है यहाँ पे। मेरे पे आ सकता है कोई? तो यहाँ पे बिगड़े को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता है उसका भी रैंक है ना, क्योंकि मैं इसके साथ इससे पहले 2-4 गेमें खेला था, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो ओ, मतलब इजी, मतलब इजी रखता हूँ। अब यहाँ देखो भाई ये स्प्रे का मजा है, ओके दोनों नॉक हो जाते हैं यहाँ पे, एक को मैं कंफर्म कर देता हूँ, दूसरा कंफर्म नहीं होता तो खैर वो रिवाइव हो जाएगा आई थिंक, तो 10 किल्स हमारे हो जाते हैं। बिगड़ा यहाँ पे बिल मतलब दोबारा रिवाइव हो जाएगा, फ्लेयर पे जाता हूँ, फ्लेयर में ओग और ओम आई होती है, दोनों ही मुझे नहीं चाहिए होती क्योंकि जोन इतना छोटा है, तो ओग तो मैं यूज ही नहीं करता, ओम करता हूँ लेकिन इतने से जोन में क्या ओम चलानी। आइए यार रैंक पुश करते हुए मेरे स्प्रेस इतने पक्के हो गए थे ना, कसम से मजा आ रहा था, क्योंकि हम रैंक पुश कर रहे थे फुल, मतलब शुरू में भी हॉट ड्रॉप पे उतर जाना, फिर बाद में भी फाइट लेना एंड वाले जोन्स में 30-35 बंदे, तो काफी प्रैक्टिस हो रही थी। यहाँ पे मकास विलन को नॉक कर देता है और बाबे को भी किल कर लेता है, यहाँ पे बाबे का स्क्वाड जो हमारे बिगड़े भाई का स्क्वाड होता है वो किल हो जाता है, तो हम यहाँ पे ये पोजिशन ले लेते हैं इधर। तो गाइस ये जगह वो जहाँ जहाज छूटा होता है आप लोगों को याद होगी, तो ये पता नहीं किसको मेरे टीममेट को नाप रहा होता है स्नाइपर से, इसको भी हम M4 से गजब का स्प्रे दे के नॉक कर देते हैं। तो गाइस फिर कह रहा हूँ जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जिसने चैनल अब मतलब आपके भाई साइको का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कर दो। ये रिफ्लेक्स फिर भी थोड़ा तेज था। बाकी आप गेम प्ले देखो, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, मतलब प्लीज सुन लेना सब। तो जरूरी बात ये थी यार, हमारे चैनल को ना 47% लोगों ने आल पे किया हुआ है, मतलब कि उनको नोटिफिकेशन जाता है, और कुछ लोगों ने बेल आइकन ऑल पे किया उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो जिन्होंने बेल आइकन ऑल पे किया उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता ना, तो एक बार बेल आइकन आप नन पे करो, दोबारा ऑल पे करो, या फिर चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन पे क्लिक करो, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब लाजमी करना, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात सुन लो बस। तो दूसरा यार कुछ वीडियोज़ ना लिंक कॉपी करके शेयर कर दो, व्हाट्सएप अपने स्टेटस पे या ग्रुप्स हो कहीं भी ना शेयर कर दो, और चैनल सर्च किया करो अपने भाई का ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी आया ना, एक दिन बाद मेरी वीडियो कन्फर्म आती है, एक दिन बाद आप लाजमी चक्कर लगाया करो, मतलब व्यूज़ फिर भी नॉर्मल आ रहे हैं, इतने 1.5 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे 30-35-40 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब वो हर वीडियो पे नहीं आ रहे, इतने व्यूज चलो अच्छे होते हैं अल्लाह का शुक्र है, और हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। एक महीने में मेरे पिछले 2 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो मैं हैरान हूँ कि ये मतलब क्या सीन चल रहा है, काफ़ी मैं इस बारे में परेशान भी था, काफ़ी टेंशन भी थी मैंने, तो बस ये बात आपसे करनी थी कुछ लाजमी। तो यह मतलब बुरा कंटेंट मैं नहीं लाता यार आप लोगों के लिए, मैं कहता हूँ कि वो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा कंटेंट अपलोड करूँ, जिस ना हो तो मैं छुट्टी भी कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार अच्छा कंटेंट अपलोड करना है, मतलब लोगों को पसंद आए, थोड़ा लोग ज़्यादा देखें। तो ये हमारा रैंक होता है, चिकन डिनर हमारा हो जाता है, बाकी बाबे के लिए कोई हेट नहीं है, भाई जैसा यार मेरे वो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो मैंने किया कहा है वैसा कर लेना, और वीडियो को भी एक दफ़ा इसको लाइक कर देना और शेयर हो सके तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।